दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज गया है, बहुत सिंगल रोड है, बस्ती बस्ती होकर आए हैं, यही प्लांट में भी आए हम लोग, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए हमारा खाना आ गया है, कई किस्म की सब्जी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग डीजल डाल रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग अभी बुक लोडिंग का बात हो गया है, तो सोलापुर जा रहे हैं। सोलापुर में कोई पाउडर है, वही लोड करना है अभी हम लोग को। तो अभी क्या लोड होता है, मतलब कोई बताया कोई फैक्ट्री में जाना है, वहाँ पाउडर लोड करना है। तो इस बार है कि धनबाद का लोडिंग करना है हम लोग को अलग जगह पे। तो जा रहे हैं अभी, डीजल डालते हैं यहाँ, खर्चा वर्चा लेते हैं फिर निकलेंगे दोस्तों। ये देखिए रोहित डाल रहा डीजल, और ये मतलब ईमानदारी से डालता है, पूरा भरता है डीजल को। दोस्तों अपना माल तो मिल गया है लोडिंग के लिए, लेकिन वो माल जो जाते थे पहले जमशेदपुर ले करके, वो माल नहीं मिला, क्योंकि अभी जमशेदपुर में भी बंद चल रहा है कंपनी, और इधर भी बोले कि भाई अभी उधर से ऑर्डर नहीं है, तो हो सकता 25 तारीख के बाद होता, इतना दिन तो नहीं रुकेगा गाड़ी, एक दो दिन तक ठीक है। तो अभी हमारा सेठ जो है ट्रांसपोर्ट से बात किया है, तो दूसरा ट्रांसपोर्ट से, तो अभी हम जा रहे हैं सोलापुर। सोलापुर से लोडिंग है, कोई पाउडर है, कोई केमिकल पाउडर वगैरह होगा। दोस्तों आज हमारा जो लोडिंग है, तो हमारा गैस भी ख़त्म हो गया है, तो गैस ख़त्म हो गया तो बना नहीं पाए, देखते हैं आगे रास्ते में कहीं पर गैस मिलेगा तो भराएंगे फिर। तो आज ढाबा पे ही खाना पड़ रहा है, थोड़ा जल्दी भी है, लोडिंग में भी जाना है। तो ये देखिए हमारा खाना आ गया है, कई किस्म की सब्जी है, राजस्थानी ढाबा बोलते हैं, ये तंदूरी रोटी हम जो खाते हैं, तंदूरी रोटी। ठीक दोस्तों खाते हैं फिर निकलना भी है, खाना खा के भी चलेंगे यहाँ से। दोस्तों खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब सब्जी बहुत अच्छा लगा हमको, सब्जी तो बच जाएगा जैसे हम लोग खाते हैं। ये देखिए दही वगैरह, मीठा दही और ये नमकीन दही, बहुत अच्छा लग रहा है। और रोहित कहीं भी बहुत अच्छा, कैसा लग रहा है तुमको खाना, मस्त? मैंने कुदाल खुदू शादी में आया है, वैसे लग रहा है ना। ठीक दोस्तों खाते हैं फिर निकलेंगे। दोस्तों 160 रुपये प्लेट ले रहा है, साथ में दो रोटी दे रहा है, चावल दे रहा है, सब्जी इतना किस्म के, ये थोड़ा मीठा है आइटम, अच्छा लग रहा है ये। दोस्तों खाना वाना हो गया हम लोग का, और दोस्तों सोलापुर से लोडिंग है, सोलापुर में बीजापुर रोड पे है, तो आज तो नहीं है, लेकिन कागज वगज कम्प्लीट होते टाइम लग जाता है, लेकिन पहुँच जाना है आज, बाकी कागज का जो काम है वो सब कर लेना है, नंबर भी लगाना पड़ता है वहाँ पे, नंबर सिस्टम है। ठीक है दोस्तों पहुँचते हैं वहाँ पे, देखते हैं कल का लोडिंग करेंगे फिर वहाँ। दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज गया है, बहुत सिंगल रोड है, बस्ती बस्ती होकर आए हैं,
यही प्लांट है, यही प्लांट में भी आए हम लोग, देखते हैं क्या होता है। मतलब बहुत छोटा रास्ता है, सिंगल बस्ती है, थोड़ा परेशानी हुआ। यही प्लांट है, देखते हैं कब तक लोडिंग होता है, क्या होता है, क्या सिस्टम है इसका, सब समझना पड़ेगा अभी। दोस्तों शाम के 6 बज गया है, जगह पर तो आ गए हैं, उसके पार्किंग लगा दिए हैं गाड़ी। बहुत सा गाड़ी खड़ा है, गन्ना लोड वाला खाली गाड़ी, बहुत गाड़ी खड़ा है। तो डीओ वो भी लेके जमा कर दिए हैं, अब बुलाहट कब आएगा। ये लोग कहना है गाड़ी वाला सबकी डीओ जमा कर दो लेके, फिर बुलाने आता है या फ़ोन नंबर से फ़ोन करता है, तब इंतजार करते हैं। रात में बुलाएगा कि कल सुबह बुलाएगा। कोई कोई ड्राइवर बोलता है कि हमको 2 दिन हो गया डीओ जमा किया हुआ, ऐसा भी होता है। जिसका माल तैयार हुआ या कुछ पैसा का लेन देन जो पार्टी के साथ होता है, जिसका क्लियर है उसको जल्दी बुला लेता है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं रात में बुलाता है क्या करता है। दोस्तों जा रहे खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने में क्या हुआ था कि हम लोग जब दोपहर में बना रहे थे खाना वहाँ, तो बनाते बनाते गैस ख़त्म हो गया था। तो रास्ते में आने टाइम सांगोला के पीछे एक जगह गैस भराए हम लोग, वहाँ गैस का भाव बड़े 125 रुपये के जी लिया है, गैस वहाँ भरा लिए हम लोग। अब दिन में चावल बन गया था ये देखिए, तो खा नहीं पाए क्योंकि गैस ही नहीं था, तो चावल सब्जी नहीं बन पाया था। सब्जी दिन का कटा हुआ था तो हम लोग बना नहीं पाए गैस के कारण। तो अभी हम लोग गैस भरा लिए हैं, अब हम लोग चले बनाने के लिए खाना। और दोस्तों एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आया था कि पम्प में आप लोग कैसे बनाते हैं, तो पम्प में हम लोग अंदर नहीं बनाते हैं, उसके लिए पम्प वाला पार्किंग देता है कि हम लोग वहाँ पर खाना बना सकते हैं। हाँ अंदर में अगर लगा के सोना हुआ तो हम लगा के सो लेते हैं अंदर में, कहीं टंकी वगैरह रहता है, नोजल रहता है, हम लोग भी समझते हैं वो सब चीज़। तो पम्प वाला खुद मतलब मना करता है कि भाई पम्प के अंदर में खाना मत बनाना, हम लोग नहीं बनाते हैं, उसके लिए पार्किंग है बाहर में। इसलिए मेरा गाड़ी बाहर साइड खड़ा था, रोड साइड में, क्योंकि खाना बनाना पड़ता था। अगर खाना बनाना नहीं रहता तो पम्प के अंदर गाड़ी लगा रखते। दोस्तों हमारा खाना बन गया है, और रात में देख रहे हैं चावल का, तो पहले ही बता चुके हैं कि दिन में बनाए थे, गैस ख़त्म हो गया था। आज पहली बार गैस ख़त्म हुआ है, वहाँ जो खड़ा रह गया गोदाम में ना 2-3 दिन, उसके लिए टारगेट गड़बड़ा गया हम लोग का, क्योंकि गाड़ी इस बार खड़ा हो गया ज़्यादा ना। गाड़ी खड़ा नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है दोस्तों खाना वाना खाते हैं। दोस्तों खाना वाना तो हम लोग का हो गया, रात में चावल खाते नहीं हैं, लेकिन मजबूरी है कि दिन में बन गया था वही खाना पड़ गया मजबूरी में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक सब्सक्राइबर का हमारा कमेंट आया था कि लिफ्ट मतलब जो बोलते हैं चक्का उठता गिरता कब है, तो उसको बता दे कि अभी नया नया मॉडल में गाड़ी जो निकला है ना, वो ऑटोमेटिक अगर गाड़ी खाली है तो उठा हुआ रहेगा, और अगर लोड हो गया तो वो बैठ जाता है। तो उसी का उसका सिस्टम किया हुआ, लेकिन वो जब ख़राब हो जाता है ना तो मिस्त्री लोग डायरेक्ट स्विच लगा देता है, अपने मन से गिराओ उठाओ, वो फिर मिस्त्री लोग को समझ में नहीं आता है कैसे क्या करना क्या नहीं, सब गाड़ी में वही सिस्टम हो जाता है। एक बार जहाँ ख़राब हो गया ना कि ऑटोमेटिक गिर लोड गाड़ी में गिर जाना, खाली गाड़ी में उड़ जाना, वो सिस्टम जब हट जाता तो अलग से स्विच देता है, पुछपुछ स्विच, कि अपना मर्जी है उठा के चलो गिरा के चलो, ये चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तो हमारा ब्लॉग जो है कि कोई खास नहीं, छूट छोटा ही बनेगा। और दूसरी समस्या एक ये आ रहा है कि यहाँ पर वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेट यहाँ पे नहीं चल रहा हमारा, मतलब बहुत स्लो। हो सकता है कि कल लेट जलाए ये भी वीडियो हमारा, क्योंकि यही सब हम लोग के साथ कभी कभी समस्या आ जाता है कि मतलब नेट नहीं मिलने के कारण लेट हो जाता है हमारा ब्लॉग। तो ठीक है दोस्तों देखते हैं, रात में हो सकता है कि लोडिंग वोडिंग भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।